मगध राज्य के राजा बहुत ही धर्म निरपेक्ष हैं। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से वास करते थे और इधर राज्य में बढ़ गई बहुत परेशानी। ये क्या, यही तो था? ये तो बहुत हैरानी की बात है। हाँ, कहाँ गया चाचा, क्या हो गया? पूरे बाजार में दिन भर में जो सामान बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया वो इसी पोटली में रखा, और रखने के बाद मैं घर में हाथ पैर धो रहा था, आकर देखा मेरा पोटली नहीं है। ये क्या, हम लोगों के गांव में चोरी शुरू हो गया क्या? हाँ, चोरी शुरू हो गई पूरे राज्य में। मैंने जो हार दिए थे बनाने के लिए वो क्या बन गया? ये सोनार जब बोल दिया है बन जाएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। क्या बनाना था तुम्हारा? वही, एक सोने की हार। हाँ हाँ, सोने की हार। रुको, रुक जाओ, दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? क्या हुआ भाई? मेरे संदूक में तो कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया। चोरी, मेरे दुकान में चोरी हो गई है। कब मेरा पूरा सामान लूट कर ले गया, अब क्या होगा? ये क्या, हमारे राज्य में चोरी? ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, आज से हमारे राज्य में पहरेदार ठीक से पहरेदारी करेंगे। लेकिन महाराज, इससे तो मेरी चोरी हुई संपत्ति वापस तो नहीं मिलेगी ना? महामंत्री, इस सोनार का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में पहरेदारी शुरू हो गई। चोर तो नहीं पकड़ाया बल्कि चोरी और ज्यादा बढ़ गई। महाराज, बहुत सर्वनाश हो गया। मैं कल जम्मूद्वीप से बहुत सारे कीमती सामान लेकर आ रहा था और उसमें बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, और यहाँ आकर देखा मेरे सारे रत्न चोरी हो गए। 3 पीढ़ियों से जो व्यापार चल रहा था, बहुत सारे अमूल्य रत्न थे, और आज देख रहा हूँ मेरे सारे रत्न चोरी हो गए। महाराज, मेरे घर की कुल देवी की मूर्ति चोरी हो गई। चोरी चोरी चोरी, यह सुन के मेरे कान पक गए, और इतने दिनों से मेरे पहरेदारी कोई खबर तक नहीं लगा पाए। महाराज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन चोर बहुत ही चालाक है। आज रात को मैं खुद चोर पकड़ने जाऊंगा, देखता हूँ। अभी तक तो चोर तो दूर की बात, एक चिड़िया तक भी नहीं देख पा रहा हूँ। होय, कौन है तू? मैं चोर हूँ, पर तुम कौन हो भाई, बताओ। मैं भी चोर हूँ। चोरी करने निकले हो क्या? मैं भी निकला हूँ। चलो दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, चलो। आज बहुत बड़ा हाथ मारे हैं। ये लो तुम्हारा हिस्सा, कल रात यहीं पर मिलना, दोनों एक साथ ही निकलेंगे, समझ गए? तुम यहीं पे रहते हो क्या? हाँ, जा रहा हूँ। उसके बाद राजा लौट आते हैं महल में, अपने सैनिकों को लेकर चोर के घर पर आक्रमण करता है, और शुरू होता है चोर के विरुद्ध लड़ाई। चोर पराजित होता है और सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। क्यों चोर, पहचान पा रहे हो मुझे? ओह, आप महाराज हैं। आप ही कल रात को चोर बनकर आए थे, अपने आप को चोर बताकर मेरे साथ रहे। अच्छी बात है, पहचान लिए मुझे। सुनो, चोरी के अपराध में तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। जल्लाद। आदेश महाराज। इस चोर को पूरे नगर में घुमाओ, उसके बाद इसे सजा दो। जो आज्ञा महाराज। पूरे नगर में जब चोर को घुमाया जाता है, उसी वक्त आती है राजकुमारी सुचंद्रा। वाह, चोर भी इतना सुंदर होता है, ये तो मुझे नहीं पता था। विवाह भी करना होगा तो मैं इसी से करूँगी। ये चोर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम करती हो?
तुम मुझसे प्रेम करती हो? महाराज, उस दिन चोर को नई जिंदगी मिल गई और सुचंद्रा को मनपसंद पर। लेकिन महाराज, सुचंद्रा जब चोर को अपने प्रेम का प्रस्ताव रखी तो एक बार चोर हंस रहा था और फिर रो रहा था, ऐसा क्यों? चोर यह सोचकर हंस रहा था कि उसे मिला अपने जीवन का सबसे बड़ा रत्न, एक नारी का प्रेम, और यह सोचकर रो रहा था कि जो नारी का प्रेम मुझे मिला उसे मैं कभी पा नहीं सकूंगा। कारण यह था कि कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी।